हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे साथ कुछ एक इंसिडेंट हुआ है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, कल सैटरडे था जिसमें कि मैं कॉलेज नहीं गया था। वो जो बच्चे थे क्लासमेट, वे सब कॉलेज नहीं गए, तो हमारे सब थे, उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया है। हम ग्रुप में मैसेज आ गया था कि जो बच्चे कल नहीं आए हैं उन्हें असाइनमेंट प्रिपेयर तैयार करना है। कॉलेज की छुट्टी मत मान लें तो आपको भी असाइनमेंट मिल सकता है बनाने के लिए। तो हमें ये छुट्टी बहुत महंगी पड़ गई, पर लेकिन एक मज़ा ज़रूर आया कि उस दिन कॉलेज में कुछ भी वर्क नहीं हुआ था, एक भी वर्क नहीं लिखाया गया, नहीं पढ़ाया गया था। तो एक चीज़ का समझ आया कि कुछ काम नहीं दिया गया था, पर ये छुट्टी इससे महंगी पड़ गई क्योंकि हमें असाइनमेंट मिल गया। तो आज हमने असाइनमेंट प्रिपेयर किया टीचर के लिए, हमें टीचर को असाइनमेंट बनाने के लिए बोले। तो बस यही बात थी, हम आपको असाइनमेंट शो कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप कभी छुट्टी मार दो तो आप भी प्रिपेयर रहना असाइनमेंट बनाने के लिए। शायद आपके टीचर या आपके सर आपको असाइनमेंट दे दें या कुछ टेस्ट वेस्ट बोल दें, तो इस बात का जरूर ध्यान रखना जो हमारे साथ हुआ, हम चाहते हैं वो आप लोगों के साथ ना हो। तो ये टीचर के ऊपर असाइनमेंट है, अगर आप बनाना चाहते हो तो आप भी बना सकते हैं। कभी आप फ्यूचर में आपको बनाना पड़ता है तो हम इसलिए आपके लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। आप सेम बना सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। हम आप लोगों के साथ एक एक पेज शेयर कर रहे हैं, आप देख के बना सकते हैं। दोस्तों, ये रहा हमारा असाइनमेंट, हमने टिश्यू के ऊपर बनाया। हमने टिश्यू में इसमें से दो टॉपिक लिए हैं, एक हमारा एपिथेलियम टिश्यू और एक हमारा मसल टिश्यू। सर ने दो टॉपिक के ऊपर बोला था हमें बनाने के लिए। दोस्तों, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप में से कभी फीचर आपको बनाने को मिल जाते हैं ऐसे में, तो आप सेम देखते बना सकते हैं। असाइनमेंट में ये ध्यान रखना होता है, जब आपको बॉर्डर होते हैं या कोई कोई चीज़ को बनाना होता है तो ये बॉर्डर आपको ड्रॉ करना होता है, और इसमें आपको ओनली ब्लैक और ब्लू पेन का ही यूज़ होता है। ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ होता है दोस्तों, इसमें और कोई अलग कलर पेन का यूज़ नहीं किया जाता है। इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो आपके साथ दोबारा रिपीट करा देंगे। ये हमारा फर्स्ट पेज था जिसमें हमने टिश्यू की डेफिनेशन लिख के फिर क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यूज आर फोर टाइप होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर नर्वस टिश्यू। यहाँ पे हमने एपिथेलियम टिश्यू की डेफिनेशन लिखी है और इसके ऊपर पॉइंट लिखे हैं, फिर डेवलपमेंट ऑफ एपिथेलियम टिश्यू ये कहाँ मिलता है, वो फिजन में करेक्टर्स क्या क्या इसके करेक्टर्स होते हैं, ये दो पॉइंट और एक पॉइंट करेक्टर का आ गया। हाँ दोस्तों, एक बात और ध्यान रखना है आपको, पीछे बैक साइड पे आपको कुछ नहीं बनाना है, पीछे बैक साइड पे बस ओनली अगर कोई डायग्राम है तो बस वही बनता है, ठीक है। ये इसका थर्ड पॉइंट है। फिर एपिथेलियम टिश्यू के ये फंक्शन है, तो आपको पूरा दिख रहा होगा, आप सेम बना सकते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एपिथेलियम टू टाइप, सिंपल एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम ये हमारे थ्री टाइप के होते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे आपको बता रखा है। ये फिर हमने फर्स्ट टाइप इसमें डिफाइन किया है और ये कहाँ मिलते हैं वो भी हमने बताया है। ये उसका फंक्शन है। फिर ये सेकंड शुरू हो जाता है सिंपल क्यूवर्डिंग एपिथेलियम, तो क्या होता है, फिर ये कहाँ मिलता है, फिर थर्ड हो जाता है ये कॉलमना एपिथेलियम, ये भी हमारे तीन टाइप के होते हैं। फर्स्ट में दो आ जाते हैं और ये हमारे फोर टाइप के होते हैं। यहाँ पे तीन तो सेम होते हैं, यहाँ पे लास्ट वाला एडिशनल बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने फिर सेकंड का फर्स्ट डिफाइन किया है। फर्स्ट के अंदर दो पॉइंट और आते हैं, वो सब डिवाइडेड है जो कि आपके सामने है। फिर सेकंड आ जाता है स्टेरिफाइड क्यूबॉडियल एपिथेलियम, ये भी जैसे फर्स्ट में था, ये तीनों पॉइंट वही हैं, इसमें एक पॉइंट एडिशनल होता है। दोस्तों, ये हमारा एपिथेलियम कंप्लीट हो गया। अब हमने बनाया था मसल टिश्यू के ऊपर, मसल टिश्यू में जनरल करेक्टरिस्टिक है ये, फर्स्ट पॉइंट है, सेकंड ईयर, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लास्ट। दोस्तों, आपको प्रॉपरली दिख रहा होगा, आपको पूरे प्रॉपर्टी दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप अपने कॉलेज में या अपने क्लास में या आप एग्जाम टाइम का असाइनमेंट अगर आपको मिलता था बना सकते हो। तो दोस्तों, आप इनसे अपने एग्जाम से प्रिपेयर भी कर सकते हो, जब एग्जाम का कम समय होता है तो इनसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये बहुत अच्छे नोट्स है।
आप इनसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आप लास्ट समय में पूरी बुक तो नहीं रीड कर पाओगे, पर ये पॉइंट जरूर देख सकते हो। इनसे आप इजीली जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कर पाओगे, क्योंकि कम समय में आप पूरी बुक तो नहीं पढ़ पाओगे। यहाँ पर ये शॉर्ट रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं, आप कर सकते हो। दोस्तों हमारा असाइनमेंट इतना ही था, क्योंकि हमने आपको दिखा दिया है। दोस्तों बस सिर्फ मैं आपको इतना बोलना चाहता हूँ, कभी भी अपना कॉलेज की छुट्टी मत करनी है, क्योंकि जो हमारे साथ हो चुका है हम नहीं चाहते ये सब आपके साथ हो, ठीक है। ये इंसिडेंट में आपको बहुत ऐसी आ रही होगी जो मेरे साथ हो चुका है, उसके चक्कर में हमें असाइनमेंट बनाना पड़ा है, 7 से 8 पेज का असाइनमेंट है। दोस्तों असाइनमेंट एक फोल्डर में दिया जाता है, जो फाइल आती है ना स्टिक वाली, जो साइड में स्टिक होती है, ये उसमें लगाया जाता है। ये असाइनमेंट आपको फोल्डर में दिया जाता है, असाइनमेंट का फ्रंट पेज भी हम आपके साथ जल्दी शेयर करेंगे, जो कि अभी प्रिपेयर नहीं हुआ है। इसे बनाते बनाते 3 घंटे लग चुके हैं, असाइनमेंट आज पूरे दिन से ही बनाया, 3 घंटे लगे हैं इसमें बनाने में। दोस्तों ये हमारे स्टार्टिंग पेज रह गए थे, जो हमने कहा था आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो ये हमारे स्टार्टिंग पेज है फाइल का, वो लास्ट पेज हमारे रह गया था, ये भी हमने प्रिपेयर कर लिया है। बिब्लियोग्राफी का ये ऐसे बनता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी ये फाइल आज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। गाइस आपको यह असाइनमेंट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।